यूपी के हरदोई में मुख्यमंत्री को संबोधित सिटी मजिस्ट्रेट को दिए गए ज्ञापन में सामान्य वर्ग एकता कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष दीपांशु मिश्र ने कहा कि नागरिकों के मूलाधिकारी में दिए गए समानता के अधिकार पर पूरा ध्यान और सभी को समान अधिकार प्रदान किए जाए, कानून की दृष्टि में किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। ज्ञापन में कहा गया कि सरकारी नौकरियों में योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाए, ना कि आरक्षण के आधार पर। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जातिगत भेदभाव को समाप्त कर प्रदेश के नागरिकों को समान रूप से विकास के अवसर प्रदान किए जाएं। आरक्षण पर छिड़ी बहस के बीच सामान्य वर्ग एकता कल्याण समिति ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। पेश है हरदोई के संवाददाता सुनील कुमार की खास रिपोर्ट। देवी देवता को जो अपमान हुआ है, जूते चप्पल उन पर जो चले थे, उसका विरोध करते हुए हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है यहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट को, आरक्षण के पूर्व विरोध में दिया है। और हमारी मांग है जो आरक्षण और जाति विशेष को हटा के आर्थिक आधार पे दिया जाए।